रायबरेली जिला जेल में बंद कैदियों के लिए योगी सरकार ने रक्षाबंधन का त्यौहार यादगार बना दिया। यहां पुरुष बंदियों के लिए बहन और महिला बंदियों के लिए भाइयों की खातिर जेल के दरवाजे खोल दिए। भाई के हाथों पर बहन राखी बांध सके इसके लिए 3 स्पेशल काउंटर बनाए गए, जहां पंजीकरण के बाद बहन भाई बंदी से बहन मिलकर रक्षाबंधन मना रहे हैं। सुबह से ही यहां अपनों के बीच रक्षाबंधन मनाने को लेकर भीड़ उमड़ पड़ी थी। आने वालों को कोई परेशानी ना हो इसके लिए पीने का ठंडा पानी, बिस्किट, नमकीन, मिठाई के साथ ही धूप से बचने के लिए जेल प्रबंधन ने टेंट की व्यवस्था पहले ही करा ली थी। जेलर के मुताबिक कारागार मंत्री के निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुए सभी व्यवस्थाएं कराई गई। अपने भाई से मिलने हैं, राखी बांधने आए हैं जेल में। जेल में राखी बांधने तो जेल की तरफ से आपकी बात बहनों को बड़ी व्यवस्था दी गई है, तो क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ पे दीपक की व्यवस्था है और रोली की व्यवस्था है, राखी की व्यवस्था है, मीठा की व्यवस्था है, जो व्यवस्था है सब अच्छी है। माननीय राज्य मंत्री कारागार श्री धर्मवीर प्रजापति जी के निर्देश पर कारागार के अंदर बंदियों की, उनकी बहनों से रक्षाबंधन की विशेष मुलाकात की व्यवस्था की है। आज विशेष रूप से उनकी बहनों से ही उनकी मुलाकात कराई जा रही है, तथा जो महिला बंदी हैं उनकी भाइयों से उनकी मुलाकात कराई जा रही है। आवेदन दाखिल करने हेतु 3 काउंटर बनाए गए हैं ताकि इंतजार का समय कम हो सके। साथ ही बाहर बैठने हेतु कुर्सियां तथा स्वच्छ जल आदि की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। अंदर में बैठने के लिए टेंट और मैट लगवाया गया है, साथ में निःशुल्क राखी और मिष्ठान और बाकी रोली वगैरह की व्यवस्था की गई है। रोली, आरती, इस इन चीज़ों की व्यवस्था की गई है। किसी भी स्तर पर कि महिलाओं को कोई समस्या न हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इसके लिए हेल्प डेस्क बनाए गए हैं। अब तक लगभग 250 बंदियों से 400 महिलाएं बहनें मिल चुकी हैं। सर, रक्षाबंधन 2 दिन पड़ा हुआ है, क्या कल भी रक्षाबंधन किया जाए? सरकारी तौर पर आज मनाया जा रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।